नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पे 25 फरवरी शनिवार, राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 8-10 बड़ी खबरें। आज हो चुकी है हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह और शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि। और बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 8-10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं प्रदेश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, नकल रोकने में विफल, बोर्ड करवाना चाहता है इंटरनेट बंद, राजस्थान सरकार को लिखा पत्र। शिक्षक भर्ती में 4 दिन परेशान करने की तैयारी कर चुके हैं। नेटबंदी में भी पेपर हालांकि लीक हुए थे, लेकिन इस बार बोर्ड फिर एक बार फिर इंटरनेट सेवा बाधित कर रहा है। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने में विफल रहा कर्मचारी चयन बोर्ड, इंटरनेट बंद कराना चाहता है। राजस्थान के 11 जिलों में होने वाली शिक्षक भर्ती को लेकर 4 दिन करीब 2 करोड़ लोगों को सुबह 6 से शाम 6 बजे तक परेशान करने की तैयारी है। नेटबंदी के बाद भी राज्य में कई ऐसी भर्ती परीक्षाएं हैं जिनके पेपर लीक हुए हैं। कौन से भी जिले हैं जहां पर ये इंटरनेट सेवा बाधित रहेगी, ये भी आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं। जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, टोंक, बीकानेर, कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर, अलवर, श्रीगंगानगर और उदयपुर जिले में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और यहीं पर इंटरनेट सेवा बाधित रहेगी। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर के आसपास आए बादल, पारा में मामूली गिरावट। वेस्टर्न डिस्टरबेंस से राजस्थान में मौसम बदल गया है। इससे जोधपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के जिलों में सुबह से आसमान में हल्के बादल छा गए हैं। मौसम के इस बदलाव से कुछ शहरों में रात के न्यूनतम तापमान में भी मामूली गिरावट हुई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में सुबह हल्की स्पीड से हवाएं भी चली है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 17 शहरों में अपना घर खरीदने का मौका, हाउसिंग बोर्ड की 20 साल बाद 4300 फ्लैट वीला की स्कीम। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड करीब 20 साल बाद जयपुर में इंटीग्रेटेड मकान की स्कीम लॉन्च करने जा रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश की दूसरी लग्जरी सुविधाओं युक्त कॉलोनी होगी। साथ ही राजस्थान में पहली बार एक साथ 10 शहरों में नई हाउसिंग स्कीम लॉन्च होगी, जिसके तहत 4300 फ्लैट्स और विला बनाए जाएंगे। इसके साथ ही जयपुर में 3 BHK और 4 BHK फ्लैट्स वाली से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की स्कीम भी लॉन्च की जाएगी। हालांकि 20 साल बाद बन सकेंगे बंगले के मालिक, कीमत होगी 1.35 करोड़ रुपए से शुरू। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने बताया कि प्रतापनगर में राणा सांगा मार्ग पर RUS मेडिकल कॉलेज के नजदीक ये विलाज की स्कीम ग्रीनवुड मैंसन नाम से बचाई जाएगी। इस योजना में एक मेन एंट्रेंस और एग्जिट गेट बनाया जाएगा, जबकि तीनों तरफ से सिक्योरिटी के लिए बाउंड्री वॉल बनाई जाएंगी। कॉलोनी के 30% हिस्से में ग्रीन बेल्ट डेवलप किया जाएगा। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, दिल्ली जयपुर के बीच हवा से बातें करेगी ट्रेन। जयपुर और दिल्ली के बीच अब ट्रेन हवा से बातें करेगी। भारतीय रेलवे ने राष्ट्रीय राजधानी और प्रदेश की राजधानी के बीच एलिवेटेड रेल ट्रैक बिछाने की योजना बनाई है। इस ट्रैक पर ट्रेनों की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। दिल्ली से जयपुर की दूरी करीब 300 किलोमीटर है। ऐसे में ये दूरी 2 घंटे से कम समय की हो जाएगी। फिलहाल ट्रेन से दिल्ली से जयपुर पहुंचने में 5 से 6 घंटे का समय लगता है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि रेल मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों में विषय और लेवल को संशोधित करने के आदेश। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। जिन्होंने आवेदन पत्र में विषय और लेवल भरने की भूल की थी, इन अभ्यर्थियों ने वकीलों के न्यायिक बहिष्कार के चलते न केवल हाईकोर्ट की एकलपीठ बल्कि खंडपीठ में भी अपनी पैरवी खुद की है। राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में महावीर जयंती पर 3 अप्रैल को रहेगा सार्वजनिक अवकाश। राजस्थान में 3 अप्रैल को महावीर जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। पूर्व में 4 अप्रैल 2023 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था, इसमें संशोधन कर दिया गया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जयपुर में 2 दिन नहीं आएगा पानी, 5 लाख से अधिक घरों में बंद रहेगी सप्लाई, बिसलपुर से नहीं होगी सप्लाई। जयपुर में शुक्रवार शाम से अगले 48 घंटों के दौरान 5 लाख घरों में पानी नहीं आएगा। बिसलपुर बांध से ही पानी की सप्लाई बंद रहेगी। गर्मियों में बढ़ती पानी की मांग को लेकर PSD ने ये शटडाउन किया है। इसके जरिए पानी की सप्लाई बढ़ाई जाएगी। इसी दौरान जयपुर में जगह जगह काम करवाए जाएंगे। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर है, सारण ने शेरसिंह से 40 लाख में खरीदा था पेपर, वो अभी फरार। RPSC की ओर से आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के पेपर लीक में पकड़े गए सरगना भूपेंद्र सारण को कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड पर भेजा है। उसे जोधपुर ग्रामीण और SOG ने गुरुवार को ही बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसे उदयपुर पुलिस को सौंप दिया गया है। यहां पूछताछ में सारण ने बताया कि उसने आबू रोड में अध्यापक रहे सोमू जयपुर निवासी शेर सिंह मीणा से 40 लाख रुपए में चीके का पेपर खरीदा था। इसके बाद अन्य आरोपियों को 5-5 लाख रुपए में बेचा गया। हालांकि शेर सिंह अब तक फरार है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, नवा से एग्जा EX MLA हरीश कुमावत का हार्ट अटैक से निधन।
10 दिन पहले हॉस्पिटल से ठीक होकर घर लौटे थे। आज सुबह अचानक बिगड़ी थी तबीयत। नागौर जिले की नावा विधानसभा सीट से 4 बार विधायक रहे भाजपा नेता हरीश कुमावत का शुक्रवार को 79 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया है। वे पिछले 1 महीने से बीमार थे, जयपुर में उनका इलाज भी चल रहा था। 10 दिन पहले ही तबीयत में सुधार होने पर कुशामन अपने घर लौटे थे। 20 फरवरी को जयपुर के राजस्थान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर कुशामन आए थे और आज 8 बजे उनका निधन हो गया है। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के।